जय श्री राम दोस्तों। बहुत देर से गेट कोई पीट रहा है, चलिए चल के देखते हैं। ठीक है, देर किस बात की है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम गेट खोलने जा रहे हैं, तो गेट खोल लें, थोड़ा सा एक मिनट अब रुकेगा, देखते हैं कौन है बाहर। हाँ, कौन है जी? तो यार, अच्छा, हम समझ गए, दे रहे हैं। हाँ दादी, माँ है, औजार सब निकाले के हैं। मिस्त्री चाबी मांग रहा है, औजार निकालना है। अब वही मिस्त्री सब है। ठीक, तो चाबी लेके जाते हैं हम, दे देते हैं। गैरेज का चाबी कहाँ है मैं? मम्मी मम्मी, गैरेज का गैरेज का चाबी तो नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं मिल गया मिल गया मिल गया। तो चलिए अब देते हैं गैरेज का चाबी, और उसके बाद अब सब रखवाते हैं, क्योंकि साथ में ही जाने के लिए माँ बोली है हमको। चलिए दे दिए हैं हम चाबी, और अब चलिए अभी इसको काम करवा लिया जाए। आइए रहे हैं, वैनेज पे कोई लगा रहे हैं, मशीन उसीन लग रहे हैं, पोल उल गाड़ रहा होगा। नहीं नहीं मंदिर पे गए हैं जी। और ना पापा संभाल ना नहीं। अब यहाँ काम तो अभी स्टार्ट होगा ना? होगा काम स्टार्ट, होगा काम स्टार्ट कुछ दिनों में। हाँ तो होगा, तो नंबर तो पापा जी के मेरा हालत है। होगा तो पापा आपको जानकारी दे देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम इनको लेके जा रहे हैं छत पे, इनका सामान लेवा देने, समझ रहे हैं। बंद हो गए, खुला हुआ है, बंद है क्या? चलिए छत पे से चल। इधर से गेट में ताला लगा हुआ है, इसलिए हम लोग अभी हम लोग छत पे से ही जा रहे हैं। इधर से खुला नहीं ना रहता, क्या बता। चलिए छत पे से ही चलते हैं, और आप लोग देख रहे होंगे कितना सलीनता से हम लेके जा रहे हैं इनको काम करवाने, मतलब सामान दिलवाने। सामान करा गया ना, वही सामान दिलवाने। तो जल्दी से इनका सामान दिलवा के हम भी फ्री हुए और इनको भी फ्री करें, ठीक है। ज़्यादा वक्त हम भी नहीं लगाएंगे काम में। औजार लेने आए हैं, औजार लेने आए हैं। तो देखिए अब एक नया प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, औजार नहीं मिल रहा। अब ये नया प्रॉब्लम है, माथा दिमाग खराब हो रहा है। क्या क्या बुरा बुरा रखे हुए थे क्या? बड़का छेनी हथौड़ी नहीं मिल रहा है। अच्छा
नहीं, कोई नहीं आया है, कोई लेबर नहीं आया। तो देखिए अभी नहीं मिल रहा है तो ये फोन कर रहे हैं, फोन करके वो बात करेंगे उसके बाद आएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि औजार मिल नहीं रहा है। पप्पा जी, पप्पा जी भी आ गए हैं मेरे। पप्पा जी, पप्पा, साहेब, पप्पा, तो आना है कि औजार नहीं मिल रहा है। किसका औजार? क्या हुआ, मिला? कहाँ चल गया? कह रहे हैं कि औजार से नहीं मिल रहा है मेरे। वही दिया कह रहे हैं, न हथौड़ी है न बड़का पाटा है, और कुछ तो है नहीं, बड़का पाटा मिल रहा है, हथौड़ी चेंज मिल रहा है। देख रहे हैं औजार का समस्या हुआ हुआ है, खैर कोई नहीं। कोनो कहाँ है भगवान, सवेरे फोन गई है तो कहले कि हम तोरे औजार को कोनो ला लेती हो, सब हमारे साइड पर। ना हमारे यहाँ से कोई ले नहीं गया है भाई, दूसरा कोई मेरे यहाँ नहीं आता। कौन घर में देते ना सुई, हम बतला रहा हूँ, अभी जाने नहीं मेरे से मकान, अभी घर में गए सर। तो देख रहे हैं, इतना देख रहे हैं, औजार नहीं मिल रहा है। मिल गया सब आइटम? अरे ये तो पाना है, लिट्टी का सामान है, अभी साबल अभी ले 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 बताइए, मतलब वाला होगा वो पर। क्या चीज़ साब? नहीं मिल रहा है ना, वो ना उधर कराई साबल, साबल होगा। यह बोला जाता है सावल। ओह अच्छा, सावल बोल। हमारा मालूम नहीं। अब देखिए अभी तीनों सामान नहीं लगा है, लेकिन पता है अभी। अच्छा मिल जाएगा, जाएगा कहाँ? बाकी का सब है। अब समझिए आप लोग, हमको सावले नहीं पता सावल क्या होता है, वो खंती को लोग सावल कहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए इनको छोड़ कर जल्दी से जाएं, बहुत टाइम हो गया यार, बहुत लग गया टाइम।
जा ताला कौन मार दिया अब देखिए यहाँ पापा ताला ही मार के चले गए। अब ये एक और नया प्रॉब्लम और मिस्त्री साहब के साथ हम भी इंतजार कर रहे हैं कि अब हम भी निकले भाई जल्दी से ही निकले तो कह रहे पापा आएंगे आ गए हैं अंदर में ना खाता है अंदर में रखा था तो गेट तो खुला हुआ था कोई भी जाके ले सकता था बेटा कब सोचोगे ये सब ये रखे तो आपकी जवाबदेही ना आपकी संपत्ति है ना बात तो है हाँ हाँ हम नहीं ध्यान दिए उनको नहीं ध्यान दिए ठीक है देते तो अच्छी बात था नहीं दिए फिर भी अच्छी बात है ठीक है ना लेकिन आपकी संपत्ति है आपको ध्यान देना होगा बात तो सही है हमको ध्यान देना चाहिए था चलो चलते हैं समझते चलो पापा अच्छा दूध वाले आए हैं क्या बात है कुर्ता उर्ता पहने हुए तो धोल धरी सब खराब हो रहा है ना तो कभी कभी थोड़ा दिन है तो पहन के जो अभी दूर गया ना उसमें डाल दीजिए हमको लगा कुछ खास बात है ना अभी जो केन में दिए उसी में डाल दीजिए तो अब देखिए लेबर वाला काम खत्म हुआ तो दूध वाला स्टार्ट हो गया अभी दूध वाला को दे देते हैं मम्मी रख दे अब ये इनको वापस करके अब भाई अपना काम से जान छुड़ा है बहुत टाइम वेस्ट हो गया टाइम वेस्ट तो नहीं काम में टाइम वेस्ट थोड़ी होता है तो आप लोग देखे काम खत्म हुआ तो कैसा कैसा नज़ारा देखने के लिए मिला खैर छोड़िए As you all can see, this is all for the video. आप लोग देखे कितना सारा काम हुई है एक काम करने जाओ नहीं कि 10 काम लग जाते हैं समझते हैं आधा घंटा बर्बाद हो गया मेरा क्या कर सकते हैं देखिए हाँ बात तो सही है हमको वहाँ पे इसे नहीं छोड़ना चाहिए था हम सब थोड़ा सा दिमाग से निकल गया जहन से निकल गया होता है लेकिन आइंदा से हम ख्याल रखेंगे इस बात का आप लोग को भी एक सीख मिल गया होगा कि कभी भी दूसरों के भरोसे पे नहीं रहना चाहिए खैर तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही हम लोग फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे बाय बाय टाटा खुदा हाफिज जय श्री राम थैंक्स लव यू